पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपातों का उपयोग। आइए हम यह देखें कि पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों की सहायता से त्रिकोणमितीय सारणी का बिना प्रयोग किए मान कैसे ज्ञात करते हैं। क्या उन कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात पता करना सरल नहीं है? हम इनका उपयोग कर सकते हैं, जैसे थीटा बराबर 31 डिग्री या फिर 13 डिग्री और फाई बराबर 20 डिग्री या 43 डिग्री आदि। अब हम 2 टाइम्स साइन 30 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 60 डिग्री का मान त्रिकोणमितीय सारणी का प्रयोग किए बगैर ही ज्ञात करके देखते हैं। चलिए हम एक प्रश्न लेते हैं। 2 साइन 30 डिग्री अपॉन कॉस 60 डिग्री और इसका मान हम त्रिकोणमितीय सारणी का प्रयोग किए बिना ही ज्ञात करते हैं। इसके लिए देखिए 2 साइन 30 डिग्री अपॉन कॉस 60 डिग्री में कॉस 60 डिग्री को हम और क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर पूरक कोण के जो त्रिकोणमितीय अनुपात हमने देखे थे उसमें हमने देखा है कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। तो उस हिसाब से यदि हम इसे लिखना चाहें 2 साइन 30 डिग्री अपॉन कॉस को कॉस के बाद जो 60 डिग्री है उसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं? हम इसे चाहें तो 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री भी लिख सकते हैं, क्योंकि 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री हमें मिलेगा 60 डिग्री। अब यदि पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात के इस मान से हम इसकी तुलना करें इस संबंध से, तो आप देखें थीटा के स्थान पर यहाँ लिखा हुआ है 30 डिग्री, तो इसका रिजल्टेंट क्या मिलेगा हमको? क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर? साइन थीटा के स्थान पर क्योंकि 30 डिग्री है तो हम इसे लिखेंगे साइन 30 डिग्री। तो हमें मिला कॉस 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री। इसका हम यहाँ पे उपयोग कर सकते हैं, तो हम लिखेंगे साइन 30 डिग्री 2 टाइम साइन 30 डिग्री अपॉन कॉस 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री के स्थान पर लिखेंगे साइन 30 डिग्री। तो ये हो गया साइन 30 डिग्री। अब इसे हल करने पर आपको क्या मिलेगा? 2। तो 2 साइन 30 डिग्री अपॉन कॉस 60 डिग्री का जो मान है वो बिना त्रिकोणमितीय सारणी का प्रयोग किए बिना हमने प्राप्त किया 2। इस प्रकार ये हल हुआ। चलिए आगे देखते हैं। चलिए इसी प्रकार एक और प्रश्न लेते हैं। 3 10 15 डिग्री अपॉन कॉट 75 डिग्री। इसे भी हल करते हैं बिना त्रिकोणमितीय सारणी का प्रयोग किए बिना। तो इसे ले लेते हैं 3 टाइम्स 10 15 डिग्री अपॉन कॉट 75 डिग्री और ये हमें देखना होगा कि कॉट 75 डिग्री को हम और कैसे लिख सकते हैं। इसे हम चाहते हैं कि ये त्रिकोणमितीय अनुपात जो है वो समान हो जाए ताकि इन्हें हल किया जा सके, इसलिए हम इसे इस प्रकार से लिखते हैं। 75 डिग्री को लिखा जा सकता है 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री। इससे क्या हुआ? कोण समान हो गए। अब देखिए फिर से पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात से हम जानते हैं कि कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है टेन थीटा। और यहाँ पर यदि थीटा का मान ले लिया जाए 15 डिग्री तो ये हो जाएगा आपका टेन 15 डिग्री। तो अब आप इसे इस प्रकार लिख सकते हैं 3 10 15 डिग्री अपॉन कॉट 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री को लिखा जा सकता है 10 15 डिग्री। तो हमने इसे यहाँ लिख दिया 10 15 डिग्री और इसलिए ये हल होकर हमें देगा 3। तो इस प्रश्न का भी हमने यहाँ पर हल प्राप्त कर लिया।